तेरे के साथ रहना चाहता है ना तू? जन्नत छोड़, जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया होगा। यही कहीं भटकती होगी उनकी रूहें, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, शायद तू देख सकेगा, तेरे अपने हैं। ये कौन है, क्या नाम है इसका? अब्दुल। अब्दुल, पूछ इन सबको क्या होता है जिहाद, कुछ शायद अब समझ गए होंगे। 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझे। तुम क्या समझते हो, सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने कुरान पढ़ी है? हम सब लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, बिसात नहीं। क्या औकात है तेरे आका के? दर्स में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक है, यानी इंसान, खुदा की बेहतरीन तखलीक इंसान। इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को, जानता है? तुम्हारे आका ने यह नहीं बताया कि जन्नम के आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है? सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी। तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया, कैसे बताता? ये तो जिहाद का गाजर दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता? उसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूम को। मादर चोद, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मसल को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। ऐसे जिहाद के बाद तू समझता है तुम्हारी रूहें पाकिजा और नूरानी रहेंगी? एग्जॉस्ट चालू कर। देख इनके चेहरों को, घिन आती है, घिन। सुन इनके जिस्म से आ रही शहादत की खुशबू को। मादर चोद, नाक क्यों बंद करता है? सुन 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 सुन, फरिश्ते आएंगे, शहर से उरे नहलाएं, तुम्हारे आका ने इन लाशों को पहचानने से तक इनकार कर दिया, दो गज जमीन तक नहीं मिली इन लाशों को, सारी दुनिया थूक रही। इसे कुर्बानी शहादत करता, शहादत देखने बाहर जाकर देख, जिन्होंने ना किसी का मजहब पूछा ना धर्म पूछा, अपने फर्ज पर कुर्बान हो भगवान और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और इंसानियत की सलामती के लिए शहादत दे दी अपनी। सब लोग मातम मना रहे हैं उनके लिए, सबकी आंखों में आंसू है, उन्हें तो इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई,
इसे शहादत कहते हैं। तो खुशी से झूम उठाता ना जब तेरे आका ने इस काम के लिए तुझे चुना। एक बात बता, जिस जिसको भी तूने मारा कभी अपने जमीर से पूछा उनका गुनाह क्या है? जमीर 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 जानता है जमीर। बच गए तो गाजी, मैं तो शहीद। साले गीदड़, कफन के साथ साथ तेरी गांड पर शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने। तुझे ये नहीं बताया कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी? ये मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनके वादे, उनकी नसीहत, ये जानता भी है तू? शहादत को तुम जैसे गुमराहों ने तमाशा बना के रखा, तमाशा। करना है जात तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जिहाद, जिहादुल अकबर। एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। अव्वल तो तुम मुसलमान हो ही नहीं। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। तेरे उम्र का बेटा है मेरा, मकसद क्या है? कल तक गली का कुत्ता नहीं पूछता था, शराबत के कपड़ों पर बेकारी का कीचड़ लग गया था। जैसे भी थे मस्त थे हम लोग। क्या खाक मस्त थे? अरे अंदर से बाहर तक हालत पतली थी, गोवा खाने के वांदे थे, और आप माठाट से बैठिए गल्ले पे, लोग हाथ पैर हिलाते उसके सामने। मेरी नूडल वाली ढीनी चार ठोकरे काम करते हैं उसके हाथ के नीचे। मैम साहब, मैम साहब, दिव्या को काम के लिए किसी को मस्का नहीं लगाना पड़ता है। अरे उनका छोड़ो, खुद का ही देखो ना, क्या ठाट है, है? या ऐसे सीना तांगे घूम रहे ले। और तो और पिछले छह महीने से लोगों से सलाम वसूल कर रहे ले। जिंदगी का मकसद यही ठाट है, यही ताकत है, यही इज्जत है, और इसी इज्जत को अगर संभाल के रखना है ना तो दगड़ू गाने का हिसाब चुकता करना होगा। नहीं तो ये सलाम गंगू से वो बोलने वाले लोग पान खा के झुकेंगे तुम्हारे मुंह पे। अब्दुल, अब्दुल ठीक बोल रहा है गंगू। बदनामी के 100 दिन से इज्जत का एक दिन अच्छा है। ये इज्जत का एक दिन भारी पड़ेगा तुम लोगों को। देखो तुम लोगों को नहीं आने का, मत आओ, मैं जाएगा अकेला। ये देखो दीक्षित का किराए का घर, ये उनका बच्चा विक्रम, इधर आ। 98% नंबर लाया है इम्तिहान में, फिर भी इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि डोनेशन नहीं दे सकता। डोनेशन गाय का रिश्वत नहीं दे सकता, इसलिए घर में बैठा है। इधर आ, ये बच्ची देखो। दहेज देने की हैसियत नहीं, झूले पे झूल रही है कुमारी। इधर
ये दीक्षित, नौकरी के सिवा इसके पास कुछ नहीं है। ये उसकी बीवी बहुत बीमार थी उस वक्त, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, होश खो बैठा था, उसी वक्त तुमने इसे हथकड़ी लगाई। ये 6 लाख रुपए मैं छोड़कर गया था यहां, ग्रेनाइट कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की रिश्वत। पिछले कई महीनों से लटक रहे थे यहां, ये आदमी छुआ तक नहीं। इसकी ईमानदारी पर शक मत करना, मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, जिंदगी में पहली बार हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं, इस आदमी की नौकरी से वापस कर दो। मैं अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तुम लोग जरा अंदर जाओ। वो लड़की दयानंद की बेटी है ना? हाँ। क्या है कि मेरे मन को भा गई, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा है। हाँ। अच्छा इंसान हो तुम, अगर उसकी शादी तुम्हारे साथ हो जाए तो नहीं, उसका नसीब खुल जाएगा। शादी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर बस यूं ही एक आध रात गुजारने की सोच रहा हूं। क्या है कि मेरी टेस्ट कुछ अलग है, हजारों लड़कियां देखूं तो किसी एक में मुझे जायका नजर आता है, ये लड़की जायकेदार है। बस गिव एंड टेक, तो मुझे लड़की पहुंचा दो, मैं दयानंद की नौकरी वापस दिलवा देता हूं। सिंपल। मैंने तेरे बारे में काफी पूछताछ की, लेकिन तेरे बाप के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब ऐसा लगता है तेरे बाप की मौत के कई साल बाद तेरी मां ने तुझे जन्म दिया होगा। मुस्तफा, तू मुझे खरीदने आया था ना? अरे तेरे जैसे गुंडे खरीदा जा सके, और तूने मुझे हरामी कहा, अब तू मेरा हरामीपन देख। उस लड़की को मैं उठवा के ही ले जाऊंगा, तू उसके घर में रखी उसकी रखवाली थोड़ी कर सकता है। कमीना निकला साला, गलती तो अपनी ही है, गलत आदमी को खाने की दावत दी, इसको पहचानने में मुझसे गलती कैसे हो गई? लगता है इसके आगे अपना दाना पानी इस घर में लिखा है। जाओ पैसे उठा लो।